ये संतोष रेणु जी का विवाद था यादव भगवान, इसमें जेल गए। सीता माता जी का यहाँ तक उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जिनको हम पूजते हैं उनको तो गाली दे नहीं सकते जी। अब उनकी मानसिकता क्या है, वो क्यों गाली दिए या तो फ्लो में दे दिए, क्यों दिए? पहली बात तो अगर फ्लो में भी दिए तो कुछ बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। गलत चीज़ों का हम समर्थन कभी नहीं कर सकते। बाकी बात रही कि जातिवाद का, तो ऐसा नहीं है। हम तो सभी जाति के लोग हमारे प्रिय हैं जी। ऐसा कोई बोल नहीं सकता है कि हम यादव कास्ट के लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, चाहे पासवान जी के कास्टों के लिए काम नहीं करते, चाहे हमारे पांडे जी के लोगों के लिए नहीं करते। तो पौनबे के टीम में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भगवान ही है, यादव कास्ट के भी लोग काम कर रहे हैं, भूमिहार कास्ट के भी लोग काम कर रहे हैं, पासवान कास्ट के भी लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो अगर जिनके मन में ये मानसिकता है कि जातिवाद को लेकर इतना बड़ा विवाद कर रहे हैं कि नितला ना नितला जल्दी नितला बहरावा हो अमिले था आइल तो हर गाँव के ला भलावा हो मिले था आइल तो हर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेहंदी न्यूज में। दोस्तों बता दें कि आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर पुदीना स्टार प्रियांशु जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका जी। मेहंदी न्यूज़ देखने वाले जितने भी हमारे ऑडियंस हैं सबको, यानी आप सबका छोटे भाई प्रियांशु सिंह की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले भैया कॉन्ग्रेचुलेशन 1 बिलियन पुदीना। थैंक यू आपको भी और मेहंदी न्यूज़ के देखने वाले जितने भी ऑडियंस हैं सबको जी। अच्छा प्रियांशु भैया, 1 बिलियन भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार, वो भी प्रियांशु जी के म्यूजिक डायरेक्शन में, क्या फील होता है? फील क्या होगा, ये तो ऑडियंस का प्यार है और भैया की भी मेहनत है, पूरी टीम की मेहनत है। भैया जितना सपोर्ट किए हैं इस गाने को बनाने में, एक एक चीज़ को देख के खुद बैठ के सुने, खुद बैठ के करवाएं। तो खैर सबसे ज़्यादा अगर श्रेय मैं दूँ तो पौन भैया को दूंगा, ऋतिक जी को दूंगा, रवि पंडित जी को दूंगा, अमित भैया हैं, सब लोग, पूरी टीम है, मतलब मेरा भी थोड़ा बड़ा योगदान है, म्यूज़िक किया मैंने, तो बहुत मज़ा आया। जैसे कि उसमें पुदीना वाले गाने में आपका भी वोकल देखा गया है जी। वो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, हालांकि पवन जी तो हैं ही, आपका भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहा है। दो लाइन सुनाना चाहेंगे? कि नितला ना नितला जल्दी नितला बहरावा हो अमिले था आइल तो हर गाँव के ला भलावा हो मिले था आइल तो हर। ये कैसे थीम सेट हुआ कि भैया बच्चे टाइप का गाना गाया जाए इसमें, क्योंकि इस गाने को पुदीना बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस गाने को पसंद किया है, बार बार देखा है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी बच्चे का वायरल हुआ है इस गाने पे, रील टाइप का, कैसे तैयारी हुआ इस टाइप का? मतलब गाना जब हम बनाए तो उस टाइप का ऐसा कुछ नहीं था कि भाई बच्चे वाला साउंड को रखा जाए। वो होता है ना कि बनते 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 निकल जाता है। तो भैया बोले कि प्रियांशु तुम एक बार ट्राई करके देखो, तुम कहो तो। खैर भैया ने मतलब मौका समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, तो हम गाए और इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि शूट पे भी वही रखा गया। और जब वो रिलीज़ हुआ तो इतना बड़ा मतलब समझिए कि ब्लास्ट हुआ ये सॉन्ग, कि कुछ कह नहीं सकते। प्रियांशु जी होली का गाना कब आएगा पवन सिंह जी का? काफ़ी ज़्यादा आप लोग इंतज़ार करवा देते हैं पवन सिंह जी के गानों को लेकर। इंतज़ार ना हम करवाते हैं ना टीम के लोग करवाते हैं। काम तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, मतलब कि जैसे होली का सीज़न है तो होली के 1-1.5 महीने पहले से हम लोग तैयारी कर लेते हैं। होता क्या है कि भैया थोड़ा बिजी रहते हैं और इस बार भी वैसा ही हुआ। अभी लंदन में थे, लंदन में थे और लंदन से आए तो थोड़ा क्या बोल सकते हैं, डबिंग का काम है, मूवी का काम है, मीटिंग है, बहुत काम रहता है ना, तो इसमें से टाइम नहीं मिल पाता है तो थोड़ा गाना कम आ पाता है। लेकिन हम लोग तो कोशिश करते हैं हमेशा कि जितना ज़्यादा गाना गवा सके भैया से और जितना ज़्यादा लॉन्च करवा सकें और आए मार्केट में। कब आएगी गाना सर होली का? आज पोस्टर लॉन्च हुई है। किस गाने का? होली का भैया का। गाने का नाम? वाइट वाइट लहंगा करके गाना है और अच्छा लगेगा गाना, बहुत अच्छा गाना बना।
कैसा है, आपने तो सुन चुका होगा, कैसा गाना है? बहुत अच्छा है, हमारे बड़े बड़े भैया गार्जियन हमारे अजय बच्चन जी का लिखा हुआ सॉन्ग है और छोटू भैया का म्यूजिक है। अच्छा, और बहुत अच्छा गाना बना है। प्रियांशु जी का म्यूजिक वाला गाना कब आएगा? है ना, प्रियांशु जी का म्यूजिक क्या होता है, अब वो करें या हम करें, है तो टीम के ही लोग ना, भैया करें चाहे हम करें, मेरा भी आएगा, वो भी टाइम है, अभी थोड़ा शूट बोले तो अभी टाइम नहीं मिल पाया, सोच सकते हैं डबिंग करके जल्दी जल्दी एक दिन में डबिंग करके दूसरे दिन भाग के शूट करना कितना मुश्किल होता है, मतलब 24-24 घंटा जग के काम करना, थोड़ा परेशानी तो है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सारे गानों को रिलीज़ करें। भैया जैसे लगभग सारे बड़े स्टारों का गाना रिलीज हो चुका है, लेकिन पवन सिंह जी का इतना लेट और काफ़ी ज़्यादा इंतजार हो रहा है, और फर्स्ट गाना ये जो व्हाइट व्हाइट लहंगा, ये कब रिलीज होगा? अभी डेट कोई क्लियर नहीं है, हो सकता है कि परसों तक गाना है। अच्छा, थोड़ा का वीडियो शूटिंग के बाद थोड़ा काम DIY का थोड़ा शायद बचा हुआ है, लेकिन जल्द आएगा आप लोगों के बीच। चलिए बहुत बहुत ये बधाई, क्योंकि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं गानों को लेकर। अच्छा भैया, और कुछ हम जानना चाहेंगे, दिल्ली में एक नया स्टूडियो ओपनिंग हुआ है आपका जी, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, सभी हमारे जितने भी सिंगर हैं सबके लिए ही है, और चाहे वो पटना में हो चाहे वो दिल्ली में हो, तो आ सकते हैं लोग, सभी लोग गा सकते हैं, और जो अच्छा गाएंगे उनके लिए प्रियांशु हमेशा खड़ा है, उनको बोलना नहीं पड़ेगा जी। क्या लगता है मैनेजिंग के लिए अलग अलग जगहों पर स्टूडियो खोला जा रहा है? मैनेजिंग के लिए नहीं, एक्चुअली दिक्कत थोड़ा होती थी डबिंग वबिंग को लेकर, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा डाल दिया गया जी, ताकि सुविधा हो सिंगरों का, अलग अलग जगह से काम करवा सकते हैं, सिंगरों को भी सुविधा हो, जो अच्छा गा पाते हैं वो वहाँ से आने जाने में बहुत समस्या होने की वजह से थोड़ा स्टूडियो वहाँ किया गया जी। अच्छा प्रियांशु जी, थोड़ा ये खट्टी बात कर ले, मीठी बात हो रहा था, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अभी संतोष रेणुका जी का विवाद काफ़ी बढ़ गया है, रोड पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, जेल में है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अब इस पे हम अब क्या बोल सकते हैं, सभी हमारे बड़े भाई हैं, कहीं ना कहीं देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, तो खैर वो कहीं ना कहीं हमसे उम्र में बड़े हैं वो, और हम उनको कुछ बता नहीं सकते ना कुछ ज्ञान दे सकते, सबकी अपनी अपनी सोच है, और इन सारे मैटर पे हम इन सारे मुद्दों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते जी। ऐसा नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री दो गुट में बढ़ चुका है और प्रियांशु जी एक अलग गुट में है? हम सभी के लिए काम करते हैं, पहली बात तो ये, दूसरा बात अगर जो बांटने का काम कर रहे हैं तो आप लोग ये मत करिए, प्लीज़ मत करिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से आज भोजपुरी की लेवल बढ़ी है और इतने मतलब बड़े बड़े काम करने का मौका मिल रहा है सबको जी। तो कहीं ना कहीं क्षति तो पहुँचेगी, तो ये प्लीज़ ना हो, और आप लोग ऐसा मत करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे। ये संतोष रेणु जी का विवाद था यादव बबुआन, इसमें जेल गए, सीता माता जी का यहाँ तक उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये होना चाहिए जी? एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जिनको हम पूजते हैं उनको तो गाली दे नहीं सकते जी, अब उनकी मानसिकता क्या है, वो क्यों गाली दिए या तो फ्लो में दे दिए, क्यों दिए? पहली बात तो अगर फ्लो में भी दिए तो कुछ बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए बिल्कुल कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप गाली भी दे दिए तो आप मतलब क्या बोल सकते, छोड़िए हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आपको मेरे हिसाब से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिनको हम पूजते हैं, और हम ही नहीं पूजते हैं, जो हमारे बाप दादा हमारे ख़ानदान जो पूजते आ रहे हैं जिनको, और उनको हम गाली दें ऐसे हमारे संस्कार में ही नहीं है जी। और अगर वो गलती किए हैं तो उनको भी ज़रूर अफसोस होता होगा, चाहे नहीं होता होगा तो प्लीज़ आप समझिए, क्योंकि आपको देख के भी 10 छोटे छोटे लोग आपको देख के भी आगे आएंगे तो फिर क्या सीखेंगे, इसीलिए भगवान हम लोगों के क्या बोलते हैं, हम लोगों को अगर बना के भेजे हैं तो कम से कम उनके सम्मान को ठेस ना पहुँचे।
ये भोजपुरी इंडस्ट्री का विवाद था यादव और भगवान का। यादव का पक्ष श्री कृष्ण जी की पत्नी राधा और इधर क्या बोलते हैं राजपूत घराने का जो पत्नी क्या बोलते सीता जी। इस टाइप से इतना बड़ा मतभेद भोजपुरी इंडस्ट्री में फैलाया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? सब तो नहीं कर रहे हैं, मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में कौन कर रहा है? जो कर रहे हैं वो भरेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वो बड़े भाई हैं हमारे, क्योंकि आज से नहीं, उनको बहुत पहले से हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में ऐसे कोई भी इंसान होंगे जिनके कॉन्टेक्ट में वो ना हो, सबके कॉन्टेक्ट में है। जब आपके कॉन्टेक्ट में इतने सारे लोग हैं तो आपको भी समझना चाहिए कि क्या क्यों कर रहे हैं। ये गलत है, अगर वो कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। गलत चीज़ों का हम समर्थन कभी नहीं कर सकते। बाकी बात रही कि जातिवाद का, तो ऐसा नहीं है, हम तो सभी जाति के लोग हमारे प्रिय हैं जी। ऐसा कोई बोल नहीं सकता है कि हम यादव कास्ट के लोगों के लिए काम नहीं करते, चाहे पासवान जी के कास्टों के लिए काम नहीं करते, चाहे हमारे पांडे जी के लोगों के लिए नहीं करते। आज प्रियांशु जी का, पवन सिंह जी का 1 बिलियन गया है, क्या यादव जी नहीं सुने होंगे? एकदम सुने होंगे। हमको लग रहा है कि अगर 100 अगर भगवान जी गाने को सुने हैं तो कम से कम 98-97 यादव जी भी सुने हैं जरूर। उनका सभी के समर्थन से कोई गाना, कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है तो सभी के समर्थन से। आज अगर हम काम कर रहे हैं, चाहे हमको काम करने का मौका मिला है जी। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मतलब जैसे पौन भी है, तो पौन भी की टीम में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भगवान ही है, यादव कास्ट के भी लोग काम कर रहे हैं, भूमिहार कास्ट के भी लोग काम कर रहे हैं, पासवान कास्ट के भी लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो अगर जिनके मन में ये मानसिकता है कि जातिवाद को लेकर इतना बड़ा विवाद कर रहे हैं, चाहे ऐसा ना करें, क्योंकि इससे हमारी इंडस्ट्री टूटेगी जी। और इंडस्ट्री के लिए अगर आप अच्छा सोचते हैं तो इंडस्ट्री हमारी ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी। आप छोटू चिंगारी जी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम किन्हीं को सपोर्ट नहीं करते। मेरा कहने का क्या मतलब है, हम पहले भी बोले कि जिसको क्या बोला जा सकता है, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। बाकी बात तो हम विशेष हम इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते नहीं है, क्योंकि आदमी इंसान अपना काम करता है। बाकी लोग जो दिन भर हमारे पास आते हैं वही चर्चा करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है जी। अब कभी कभी यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ दिख गया तो क्लिक कर लिए, तो कभी कभी देखने को मिलता है। विशेष हम बैठ के इन सारी चीज़ों पर क्या देखना, अपने काम पर इंसान ध्यान दे। उन लोगों को भी बोलेंगे कि आप लोग भी काम पे ध्यान दीजिए अपना, क्या? चलिए, खट्टी बात तो होती रहती है। प्रियांशु जी इतना स्मार्ट है, कुछ फिल्म वगैरह करने का प्रोग्राम है कि सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर? हम कहाँ स्मार्ट हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है कि थोड़ा काम कर लेता हूँ, मेहनत कर लेता हूँ। बाकी हम हमेशा सोचे हैं कि हमको म्यूजिक ही करना है और इसी को आगे बढ़ाना है। प्रियांशु जी, फर्स्ट टाइम हमारे व्यूवर से आप जुड़े हैं, शुरुआती दौर से आपने काफ़ी कम उम्र से स्टार्ट किया है, ये कैसे प्रेरणा मिली कि भैया इतने कम उम्र से ही म्यूजिक डायरेक्टर का प्लान? लोगों के बारे में सुनते हैं तो एक इच्छा जगती है इंसान के अंदर। तो हम शुरू से हम सोचते थे कि नहीं, हमको म्यूजिक करना है, हमारे पास भी बड़े बड़े सिंगर्स का है, चाहे हमको भी मौका मिले अच्छे अच्छे काम करने का, अच्छे अच्छे सिंगरों के काम करने का, तो कौन नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं। तो खैर, हमको ऐसा मौका मिला तो हम कर रहे हैं, लेकिन बचपन से ही मेरा शौक था कि नहीं, हम काम करें, म्यूजिक करें, आगे बढ़ें बस। ये बचपन में जब आपके मम्मी पापा सुने होंगे कि अरे ये तो म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा, ये म्यूजिक डायरेक्टर का कैसा काम होता है, तो वो लोग कैसे रिएक्शन दिए? कभी रोके टोके नहीं हमको किसी चीज़ के लिए आज तक, कभी भी ये नहीं बोले कि तुम ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ। हमको फैमिली मतलब बहुत सपोर्ट करी है शुरू से। तो खैर, कहा जाता है ना, जिसके साथ फैमिली वाले हैं उस कभी भी दिक्कत नहीं होती है किसी को आगे बढ़ने में। बाकी बात तो भगवान है ही, हमारे साथ बड़े भैया लोग हमारे हैं ही, तो हमको दिक्कत थोड़ी। चलिए प्रियांशु जी, जाते जाते कुछ स्पेशल कुछ कहना चाहेंगे? स्पेशल बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे सब लोग हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो हम कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया नया कुछ, हर रोज़ हम एक गाना करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग सुनते रहिए बस, जिस तरीके से प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं उसी तरह देते रहिए, और जल्द अच्छे अच्छे गानों के साथ मिलेंगे।
चलिए धन्यवाद प्रियांशु जी, आप हमारे चैनल पे इतना समय दिए, टाइम दिए, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू।